हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज जा रहा हूँ हमारे खेत पर, जहाँ पर हमारे ना गेहूँ की बुआई कर रहे हैं दोस्तों। तो दिखाऊंगा आपको जो वो खाड़ी के पास वाला खेत है ना, उसका नाम है हमारे बीड़ा, बीड़ा बोलते हैं दोस्तों उसको। तो अभी वहाँ वो पीछे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, उससे आगे से मैं पैदल पैदल आया हूँ, क्योंकि यहाँ तक मेरी स्कूटी नहीं आ सकती दोस्तों। बिल्कुल खाड़ी के किनारे पर है, तो लगभग यहाँ पर इधर वाले खेतों में सबके गेहूं की बुआई हो गई। हमारे बाकी था तो हमारे भी आज हो जाएगा। और दोस्तों ये सूरज की वजह से ना मेरे देख भी नहीं रहा, पसीना ही आ गया मेरे। तो दिखाऊंगा अभी आपको हमारा खेत, चलते। तो वो मेरे से पहले आ गए थे, बहुत देर हो गई उनको तो, पापा को तो, क्योंकि आने में टाइम लगता है। मैंने सोचा जब तक पहुँचेंगे थोड़ा बहुत और रहेंगे, तब तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, इस वजह से मैं ना लेट आया। और ये मेरे पीछे जो खेत देख रहे हो ना आप काले काले, तो इन सब में ना गेहूं की बुआई हो चुकी है। और इधर एक ग्रीन वाला है, तो इसमें लहसुन है दोस्तों, बहुत सारा लहसुन है इस बार इधर। तो चलो दिखाता हूँ आपको हमारा गेहूं का खेत। तो ये देखिए दोस्तों, ये चल रहा है हमारा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के पीछे है बहुत सारे बगुले, देख सकते हो आप कितने सारे बगुले हैं दोस्तों। क्योंकि ये जब नीचे से मिट्टी निकलती है ना, तो इसमें से कीड़े वगैरह ऐसे निकलते हैं, तो उनको खाने के लिए ये बगुले पीछे पीछे जब पानी पिलाते हैं तब भी ऐसे रहते हैं, ओढ़ते हैं तब भी ऐसे रहते हैं। तो मैं पहुँच गया हमारे खेत पर। तो दोस्तों इसमें हमने पानी पिलाया था ना गेहूं के, पहले पानी पिलाते हैं, फिर जब वो सूख जाता है, अच्छा हो जाता है, तब गेहूं बोते हैं दोस्तों। तो इतनी सरसों उगी थी पूछो मत दोस्तों, जितनी तो हम बोते हैं ना उतनी जब भी नहीं उगती, क्योंकि बरसात में भी पूरा खेत हरा हो गया था, जैसे कुछ फसल लगा रखी हो। तो अभी भी ऐसा ही हाल था दोस्तों। तो ये पहले तो हाँक दिया, फिर अब उराई कर रहे हैं ताकि वह सरसों सूख जाए। तो दोस्तों इसमें पिछले साल सरसों ही थी, फिर उसके अगले साल भी सरसों ही थी, दो साल से सरसों हो रही थी। तो इस बार हमने सरसों नहीं की दोस्तों, क्योंकि फिर पैदावार में कम निकलती, इस वजह से इस बार हमने गेहूं किया इसमें। फिर भी इतनी सरसों उगी थी, और अभी तो फिर गेहूं को पानी पिलाएंगे ना दोस्तों, तो फिर बहुत उगेगी, क्योंकि ये सरसों है ना 4-5 साल तक उगती रहती है, उगती रहती है। देखे कितने सारे बगुले आ गए, सारे लाइन लगा के बैठ गए, जैसे हम जीमते हैं ना वैसे। तो अभी ट्रैक्टर भी इधर ही आ रहा है, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। और ये देख के दोस्तों यहाँ पर दरार, ये इधर वाले खेत में पानी पिलाया होगा ना, तो यहाँ वो के निकला है, हमारे खेत में चला गया, तो यहाँ से दरार पड़ गई। तो अभी सब दिखाऊंगा आपको, खाड़ी वगैरह सब, खाड़ी में कितना पानी आ रहा है कितना नहीं आ रहा दोस्तों। तो ये आ गया हमारा ट्रैक्टर के दोस्तों। अभी है ना गेहूँ चने की तो हो गई, सरसों की भी हो गई बुआई पहले, क्योंकि सरसों तो अभी बहुत सी सरसों खेतों में तो फूल भी आने लग गए, बहुत बड़ी बड़ी होगी सरसों, और चने भी उगने लग गए। और गेहूं तो लेट ही लगाते हैं, जैसे जैसे खेतों में बाँ आती है वैसे वैसे लगाते, क्योंकि ये ट्रैक्टर आ गया दोस्तों, इसकी आवाज़ बहुत हो रही है। देखिए हमारा ट्रैक्टर, देख के दोस्तों बगुले भी लाइन लगा के बैठे हुए हैं, ताकि जहाँ हो के ट्रैक्टर निकले वहाँ से ही खाना मिले। देख के कैसे बड़ी बड़ी वो निकलती है ना बहुत सारी पैरों की, उसको हमारे यहाँ मांदल बोलते हैं दोस्तों। तो ये बगला वही खा रहा है, बहुत सी निकलती है। एक दिन मैं भी आया, थोड़ा सा बाकी रह गया था पानी पिलाना, तो पापा नहीं थे यहाँ पर, तो मैं और दादाजी आए, तो मैंने पिलाया ना, इतनी सारी निकली उसमें, मेरे को तो डर लगा कि काट नहीं ले, तो मैं तो बाहर ही बगया, मैंने कि बरते ही बंद कर देंगे मोटर। तो ये देखे सब वही खा रहे जहरीले कीड़े दोस्तों, जो अपन को काट ले तो अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाए।
लेकिन इनके कुछ नहीं होता, ये जहरीले कीड़े खाते। जैसे बिच्छू हुआ दोस्तों, मांदड़ हुई, वो बहुत सारे पैर होते उसको, तो हमारे यहाँ मांदड़ बोलते, और एक जान क्या भी बोलते उसको। अभी दिखाऊंगा आपको, देखना कैसे खा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों इधर, और ये इधर पेड़ पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, तो ये खाड़ी का किनारा है, हमारे खाड़ी के किनारे पर ही खेत है दोस्तों, तो दिखाता हूँ आपको। चलते हैं, अभी तो खेत में कुछ भी नहीं है, तो बीच में होके निकलते नहीं, जब गेहूँ उगने शुरू हो जाएंगे तब बीच में से नहीं निकलेंगे दोस्तों, साइड साइड में से निकलना पड़ेगा। तो ये सब देख के, ये सब किसान की मदद करते हैं कीड़े मकोड़ों को खाने में, ताकि फसल को नुकसान नहीं पहुँचाए दोस्तों। तो जब भी पानी पिलाएंगे तभी आ जाते। और ये देखिए ये सरसों, ये देख सकते हो इतनी सरसों उगी थी दोस्तों, पूरा हरा हो गया था हमारा खेत, मिट्टी भी नहीं दिख रही थी, हरा ही हरा दिख रहा था। तो मैं आपको खाड़ी दिखा देता हूँ पहले, तो कितना पानी आ रहा है कितना नहीं आ रहा सब दिखाऊंगा अभी। अभी यहाँ से तो दोस्तों बहुत कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत आगे आ रहे हैं ना, इस वजह से। तो चलते हैं ये देख के, ये ट्रैक्टर भी आ रहा है। और दोस्तों इसी खाड़ी के किनारे पर वो जंगली जानवर रहते हैं, रोज सुअर ऐसे रहते हैं दोस्तों। फिर रात होते, अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा, रात होते यहाँ से निकल के उधर हमारे कुआ है ना, मैंने दिखाया आपको कितना नुकसान किया उन्होंने हमारा, रोजाना आते दोस्तों, रात को भी देखने आते ही, भाई रोज नहीं आ जाए फिर भी हम तो चले जाते और वो आ जाते, तो बहुत नुकसान करते हैं दोस्तों। ये इधर छुपे रहते इन पेड़ पौधों में, फिर उधर निकल जाते हैं, ऐसे ही चलते रहते। दिखाता हूँ अभी आपको, मेरे कांटा छुप गया पैर में, ये देखे ये कितने पेड़ झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो इनके पीछे छुप जाते हैं, ये देखो। ये देखो कितनी झाड़ियाँ हैं दोस्तों, बड़े पेड़ भी है छोटी झाड़ियाँ। पहले दोस्तों हम छोटे थे ना, तो इधर इतनी बेर की झाड़ियाँ थी, इतने बेर आते थे कि हमें ना बकोने भर भर के लेके जाते थे, जब संडे की छुट्टी होती थी ना तब लेके जाते। लेकिन अभी कुछ भी झाड़ियाँ नहीं थी दोस्तों, ये बकरियाँ खा जाती है, और फिर कुछ पौधे ऐसे रहती है ना उनको हटा देते हैं। ये देख के मैं दिखाता हूँ आपको, ये है रोजों के सबूत, भाई रोज रहते हैं यहाँ पर, उनकी पोटी है दोस्तों ये। और अभी फिर दिखाता हूँ, इसमें तो हमारे ना पहले लगा दिए थे गेहूँ, 3-4 दिन हो गए बो दिए थे पहले। और ये आ गया हमारा खाड़ी का किनारा, ये देख सकते हो आप, देखो कितना पानी आ रहा है। अभी नहर का पानी दोस्तों इसी में आता है, इस वजह से अभी पानी दिख रहा है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं रहता पानी, अभी तो बढ़िया आ रहा है, ये देख सकते हो। और बेर तो एक भी नहीं आ रहे, नहीं तो है ना ये पूरी झाड़ियाँ है ना बेरों से, अभी दिखे दोस्तों मेरे को कुछ बेर दिखे, दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे झाड़ियों में नीचे नहीं जा सकता मैं, ये देख के यहाँ पर आ रहे कुछ बेर, पक भी गए लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं दोस्तों, देख सकते हो आप कैसे किनारे पर लगे हुए हैं इस वजह से। और फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये किनारा ये दोस्तों, तो ये किनारा हमारा है ना, हर साल जब ये खाड़ी आती है अपने तीव्र वेग से, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आता है इसमें, तब दोस्तों ये पूरी मिट्टी बहा के लेके चली जाती है। इतने बड़े बड़े पेड़ थे, ये नीम का पेड़ देख रहे हो ना, इससे भी बड़े पेड़ थे यहाँ पर, तो सबको लेगी ये बहा के। और मैं हर साल यहाँ पर है ना, जो भी फल फ्रूटों के बीज होते हैं जैसे आम की गुठलियाँ जामुन वगैरह सब डालता हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो उगे, लेकिन सबको बहा के लेके चली जाती है। देख सकते हो पूरी मिट्टी कटी हुई है यहाँ की, और पानी भी देखो कितना सारा पानी आ रहा है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर है ना लगाए थे कुछ पौधे, लेकिन उनका आता पता ही नहीं है जाने कहाँ पर गए, क्योंकि दोस्तों जब ये फसल कटने के बाद गायें भैंसे आती है, बकरियाँ वगैरह आती है, तो वो है ना तोड़ देती है, चल भी जाते हैं। तो देख के पानी कैसा
उधर तो रेत ही रेत है दोस्तों, उधर तो छोड़ती है ये रेत और इधर से मिट्टी का कटाव करती है हमारी तरफ से, देख सकते हो आप ये तो बिल्कुल हर बारी इसको किनारे को लेके जाती है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हो आप कितना टूट के, ये देखो कितना टूट के नीचे गया। और मैंने इस बार तो बरसात में पौधे भी लगाए थे इसके आसपास, लेकिन पौधों का तो अता पता ही नहीं है क्योंकि मिट्टी का कटाव हो गया, तो वह भी जाने कहाँ गए होंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं उधर जिधर गेहूं लगा, गेहूं बो रहे हैं दोस्तों, उधर चलते हैं। और ये देख के दोस्तों ऐसे खेजड़ी के पेड़ इधर हमारे खेतों की तरफ मिल जाएंगे आपको, ये देख सकते हो फूल भी बहुत अच्छे आते हैं इनके, देखो यहाँ पर आ रहा है एक फूल। ये मैं किनारे पर नहीं जा सकता, कहीं गिर नहीं जाऊँ। तो दोस्तों इधर इतनी बेरों की, ये यहाँ पर भी है ना, ये पूरे वहाँ पर ये दिख रही है ना आपको मेर, इस पर भी बेर लगे होते थे, लेकिन दोस्तों ये बकरियाँ खा जाती है, फिर थोड़े बहुत बचते हैं तो फिर काट देते हैं उनको। तो चलो चलते हैं अभी उधर, गेहूँ बो रहे हैं ना जिधर चलते हैं हम। वो आ गया हमारा ट्रैक्टर, और ये बगुले भी लड़ लड़ के मर रहे हैं दोस्तों खाने के लिए, बिल्कुल पास ही रहते दोस्तों, डर भी नहीं लगता इनको भाई मर नहीं जाए अपन ट्रैक्टर के नीचे आ जाए तो। दोस्तों अब भरेंगे इसमें गेहूँ, ये यहाँ पर गेहूँ रखे हुए हैं तो गेहूँ रखेंगे। तो दोस्तों अब इसमें डालेंगे गेहूँ, और दोस्तों वो है हमारा गांव, देखिए यहाँ से बढ़िया दिख रहा है मंदिर, मंदिर के पास ही हमारा घर है। तो दोस्तों ट्रैक्टर तो गया और अब हम भी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, अभी तो आधा खेत भी नहीं हुआ, तो चलते हैं। और मैं अभी आपको है ना बगलों से भी मिलाता हूँ, पूछते हैं उनसे क्या क्या भोजन कर रहे हो आप, क्या क्या माल मिल रहा है आपको, तो चलते हैं उधर बगलों के पास। तो दोस्तों ये है ना, इनको पता है कि वापस इधर ही आएंगे तो यहीं खड़े रहते हैं ये, ताकि आते वक्त फिर से खा ले ये देखे। तो मैं अभी खेत में ही चल रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे खेत की मिट्टी है ना ब्राउन ब्राउन है दोस्तों, ब्लैक नहीं है। तो ये भग गए मेरे को देख के कि ये अपन को पकड़ने आ रहा है, और ये देखे इसको कुछ मिला देख रहा है, अभी वापिस आएंगे ना दोस्तों तब दिखाऊँगा आपको, ये भग गया। तो दोस्तों अभी है ना हमारी तरफ गेहूं की बुआई शुरू हो गई, ये देखिए सरसों कितनी सारी सरसों है दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, अगर मतलब इसमें सरसों वो उगी हुई सरसों चल जाती ना दोस्तों तो बोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये देख सकते हो आप सरसों ही सरसों उग रही है, लेकिन दोस्तों उस वो फसल नहीं होती इस वजह से ना गेहूँ लगा रहे, नहीं तो इतनी सरसों उगी थी, ये देखिए आप ये देखो सरसों ही चारों तरफ। और ये आ गया हमारा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के पीछे ये पक्षी, चिड़िया वगैरह बहुत सारे पक्षी है।
ज़्यादा, देख रही है तो पीछे ही चल रही। तो इतनी सरसों उगी है दोस्तों, तो ये बाद में भी, अभी तो बहुत सारी उगेगी, मैं बता नहीं सकता आपको। अभी भी मेरे को ना इतनी सरसों दिख रही है खेत में, ये जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रही है, पहले तो हाँ कहा ना दोस्तों ये, तो वो नीचे चली गई, लेकिन अब जब गेहूँ हो रहे हैं तो वापस ऊपर आ रही है। तो देखो ये ऐसी बड़ी बड़ी हो गई थी, ये देख सकते हो आप, ये देखो कितनी सरसों है। पर लेकिन दोस्तों सरसों की फसल होती नहीं है अभी इसमें, क्योंकि 2 साल हो गए ना इस वजह से। और मैं अभी ना खेत के बीच में से ही आ गया, गेहूँ हो रहे थे ना इसी में से निकल के आ गया। तो इस बार दोस्तों हमारी तरफ है ना सरसों की फसल बहुत कम है, चने बहुत ज़्यादा है, हमारे तो नहीं है चने, लेकिन बहुत सोने चने बहुत लगाए हैं, सरसों तो बहुत कम है इस बार हमारे गांव में, और लहसुन भी बहुत है, लहसुन भी है, और गेहूं तो रहता ही है दोस्तों, क्योंकि गेहूं में ज़्यादा ये मेहनत की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अब सब काम मशीनों से होने लग गया इस वजह से। और मेरे पीछे आ रहा है हमारा ट्रैक्टर, तो मैं जल्दी से खेत के बाहर निकलता हूँ, जल्दी से जल्दी। तो मैं आ गया खेत के बाहर, और ट्रैक्टर भी आ गया हमारे पीछे, ये देख सकते हो, और सारे बगुले उड़ कर, मैं तो इधर आया उनको दिखाने, लेकिन वह उधर कर उधर भग गए दोस्तों, चिड़िया भी है, बगुले भी है, सब भी है। इधर इधर का बाकी है पूरा, और इधर भी ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसके उधर उधर का बाकी है, और ये मेरी परछाई दोस्तों, क्योंकि शाम होने वाली है इस वजह से। और ये देखो ये दोस्तों हमारा बहुत पुराना ट्रैक्टर है, इस वजह से आवाज़ कर रहा है इतनी, बहुत पुराना का, मैं बताऊँ कितने साल हो गए होंगे, 20-25 साल से भी ज़्यादा हो गए इसको। और ये देख के पक्षी आते ही जा रहे हैं खाने के लिए, और फिर शाम पड़ते दोस्तों ये बगुले सब हमारे गांव की तरफ चले जाएंगे। मैं बोल रहा था वो हमारा एक पेड़ है नीम का, वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन मैं भगा देता हूँ दोस्तों, ये ना पीटे करते ना तो पूरा ही वाइट वाइट सा हो जाता है, और उसी को अपना घर बना लेते, तो मैं भगा देता हूँ, तो पास वाले बबूल के पेड़ पर बैठ जाते। तो दोस्तों अब हम चलते हैं घर की तरफ, वो देखे वो बड़ा सा पेड़, तो वो है हमारा कुएं वाला खेत, तो वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो वहाँ पर है हमारी एक्टिवा, तो उस पर बैठकर घर पर चलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अभी, बाय बाय बगलो, देखो कैसे बैठे हुए हैं, जैसे अपन जिम में जाते हैं ना वैसे वैसे बैठे हुए हैं, जब इधर आएगा तो अपनी बारी आएगी। तो दोस्तों हम हमारे जहाँ पर गेहूँ बो रहे थे ना वहाँ से आ गए हमारे जाए कुएं वाले खेत पर। तो ये देखिए ये इधर रास्ते में जो खेत है ये मेरे ताऊजी वगैरह के, तो इनके लगा हुआ है लहसुन, हमारे भी उस वाले खेत पर है दोस्तों। और अभी है ना खेतों का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, बरसात में तो है ना ऐसा रहता है, जब बरसात गिरती है तो सभी के खेतों में एक ही जैसे मतलब भा आती है, मतलब जब वो एक ही साथ बोते हैं सोयाबीन, एक दो दिन 3-4 दिन के अंदर बोनी रहती है, नहीं तो फिर बरसात नहीं आएगी तो फिर वो नहीं उगेगी। और अभी तो क्या है दोस्तों नहर का पानी है, तो नहर से आज मैंने पिलाया कल उसने पिलाया, तो ऐसे आज इसके हो रहे हैं ऐसे चलता रहता है। और बरसात में तो है ना सब एक ही दिन ओढ़ते हैं, एक दो दिन के अंदर ही ओढ़ना पड़ता है, तो अभी तो चलती रहेगी दोस्तों बुआई गेहूँ की। ये देखिए लहसुन, इस बार लहसुन का भाव बहुत तेज है दोस्तों। और ये आ गया हमारा खेत, तो मैं इधर पास वाले खेत की मेहर पर चल रहा हूँ दोस्तों, इधर भी लहसुन है, दोनों तरफ लहसुन है, क्योंकि दोस्तों उधर हमारे ना ये ऐसा दौरा होता है ना पानी जाने का, तो ये साफ किया था तो उसकी मिट्टी मेहर पर रख रखी है, तो उस पर चलने में परेशानी आती है दोस्तों। मैं पहले भी गिर गया उस पर चल रहा था ना, 2-3 बार गिर गया, तो मैं ना इधर ओके निकल रहा हूँ। और इधर भी है ना गेहूँ बोने की तैयारी कर रहे हैं, खेत को आँक रहे हैं दोस्तों, पहले पानी पिलाया था, अब वो सूखा सूखा हो गया, बाह आ गई उसमें, तो उसमें
ट्रैक्टर से हाँक रहे हैं। फिर एक दो दिन बाद गेहूं की बुआई करेंगे। तो दोस्तों अब हम चल बातें करते करते, और मैंने बता दिया कि हमारी तरफ कैसी फसल बो रहे हैं दोस्तों, तो आ गए हमारे खेत पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और बताना कमेंट करके किसकी तरफ कौन कौन सी फसल बोते हैं। मैंने तो बता दिया पूरा कि हमारी तरफ अभी क्या क्या फसल बोते हैं दोस्तों। एक बार फिर बता दूँ, लहसुन लगा दिया, गेहूं लगा रहे हैं दोस्तों, चने भी लगा दिए, वो हमारे तो नहीं लगाए लेकिन बो दिए चने भी, और सरसों। बस ये चार फसल करते हैं हमारी तरफ, और अभी सर्दियों की कोई फसल नहीं करते। ये देखे, ये हमारे गाय भैंसों का रजका है, तो इसको मैंने बताया ही था आपको, जंगली जानवर खा जाते। तो दोस्तों मैं आ गया हमारे खेत पर ये जामुन की छाँव में, और अभी चलूँगा वहाँ रोड पर दोस्तों, ये देख सकते हो आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।